नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। तो आज क्रिमिनल्स में आपके सामने होगा बेबस बागबान, बेटी का टॉर्चर, क्यों कटघरे में है रिश्ते, क्यों बेटी ने ढहाया बूढ़े माँ बाप पर जुल्म, सिसकते रिश्तों के दर्द के साथ ही होगा टीचर को बुलाया और मार दी गोली, फीस पर फसाद और फायरिंग की यह वारदात लाइव होगी, लाखों की चोरी में करोड़ों की पहेली की पड़ताल भी करेंगे और होगा दमोह टू बेंगलोर एक और लव जिहाद, कैसे 20 लाख की डकैती का मास्टरमाइंड सड़क पर गड्ढे खोदकर पेट भर रहा था, ये भी दिखाएंगे क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। ये वो लाइव शूट आउट है जो आपके रोंगटे खड़े करते हैं। दो छात्र कोचिंग टीचर को बुलाते हैं, टीचर से नमस्कार करते हैं, सब कुछ ठीक था और फिर कुछ ही सेकंड के बाद सुनाई दी ठाए ठाए की आवाज। आखिर शूट आउट की ये पहेली क्या है, क्यों टीचर को मार दी गई गोली, किसने मारी गोली, देखिए। टीचर को बुलाया और मार दी गोली, सड़क पर शूट आउट लाइव, कोचिंग संचालक से कौन सी दुश्मनी, तीसरी आंख में कैद ठाए ठाए, मुरैना में गोली की गुत्थी। इस सीसीटीवी फुटेज की सबसे पहले फ्रेम को हम आपको दिखाते हैं। कुछ लड़के दूर खड़े हुए हैं और ये बाइक सवार लड़के कोचिंग संचालक गिरवर कुशवा को बुलाते हैं। बस आप गौर से देखिएगा, सब कुछ सामान्य सा लग रहा है। दोनों लड़के ना तो कोचिंग में दाखिले के लिए आए थे, बस वो कोचिंग संचालक से नमस्कार करते हैं, कुछ बातें भी हो रही है। तस्वीर देखकर साफ जाहिर है कि कोई हॉट टॉक नहीं हो रही, ना ही कोई विवाद की स्थिति बन रही है, लेकिन अगले ही फ्रेम में जो तस्वीर कैद होने वाली है वो रोंगटे खड़े कर देती है। बाइक सवार हमलावर आखिर किस मकसद से आए थे, क्योंकि पीछे बैठा लड़का अचानक गोली चलाता है जिसका निशाना बने ये टीचर, जिसे कुछ समझ नहीं आया और वो फायरिंग के बाद निढाल होकर गिर जाते हैं। उसके बाद ये हमलावर लड़के बाइक से फरार हो गए। आखिर मुरैना में गोली की ये गुत्थी क्या है? जो लड़की जिसने गोली चलाई है उसकी मतलब उसने बताई गई और इसमें दूसरे लड़के ने कहा तो सिविल लाइन थाना इलाके के जौरा रोड मेडा फैक्ट्री के पास दिन दहाड़े ये वारदात हुई। कोचिंग संचालक पर फायरिंग से इलाके में दहशत है। आरोपियों का नाम विकास और विनय बताया जा रहा है। अब सुनिए कैसे आरोपियों ने कोचिंग संचालक गिरवर कुशवा को बुलाया था, जिन्हें शक भी नहीं हुआ ये लड़के किस खौफनाक इरादे से यहाँ आए हैं। लड़का आए जो मोटरसाइकिल थे, फिर सुनी राइटर को मोड़ा, विकास राइटर आया हूँ और एक मोड़ा और बाकी संग आया हूँ। कहाँ के हैं ये जानती हूँ? हाँ, मुझे नहीं काम की तो मीजा पड़ी है। अच्छा, तो फिर उन्होंने इनके हाथ में हथियार दिए? हथियार तो कट्टा। कितनी गोली चलाई है? एक गोली दी है। वैसे ही बुला मुझे तो मैं ठाड़ू कुछ नहीं करूँ, बोले मार साहब क्या बात है, बढ़िया मैं चला मुझे। पहले शिक्षक गिरवर का हालचाल पूछा और फिर दाग दी गोली। घायल टीचर के मुताबिक आरोपी लड़के कोचिंग में पहले पढ़ चुके हैं। इंग्लिश कोचिंग के पूर्व छात्रों की भला कौन सी दुश्मनी थी गिरवर कुशवा से? आखिर किस बात का बदला लिया गया? पुलिस की जांच में पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है, फीस पर फसाद और फायरिंग। घटनाक्रम ये समझ में आया है कि कोई गिरवर कुशवा है, उनके पिताजी का मोरवान कुशवा,
तो 3 साल पहले कोई लड़के को पढ़ाते होंगे कोचिंग में, अम्मा के रहने वाले हैं, तो उसके कुछ पैसे वैसे जो कुछ विवाद हुआ था इनका, तो आज वो दो लोग दोनों भाई आए हैं, उसने गोली मारी है, पेट में गोली लगी है, 300 साल का प्रकरण मंजूर कर लिया है और गंभीर रूप से घायल है और रेफर होके वो ग्वालियर रवाना कर दिया। 3 साल पुराने फीस के फसाद में ये फायरिंग हुई। हालांकि पुलिस वाले अभी जांच कर रहे हैं, क्या सिर्फ यही वजह है या फिर कहानी कुछ और भी है। मुरैना से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भोपाल के पौश इलाके से पुलिस वालों को खबर लगी कि एक घर में बुजुर्ग माँ बाप को बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, बुजुर्ग दंपति को छुड़ाया गया जिनके जिस्म पर पिटाई के निशान साफ नजर आ रहे थे और आंखों में बस यही सवाल, हमारी बेटी ऐसी तो नहीं थी। बेबस बागबान ने अपनी बेटी पर टॉर्चर के जो संगीन इल्जाम लगाए हैं वो झकझोरते हैं। आखिर आरोपों का सच क्या है? ये सब मारा है, गला घोटा है हमारा। कभी खाने देती थी, कभी गुस्सा हो जाती थी तो खाना फेंक देती थी। बेटी ही आपके साथ मारपीट कर रही है, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, बस पीटते थे। बेटी की बर्बरता, बेबस बागबान। कभी पीटा, कभी गर्म पानी डाला। 4 महीने से बंधक बनाया। जिस्म पर दरिंदगी के निशान। प्रॉपर्टी की जंग, रिश्तों पर जख्म। हमें बेटी से बचाओ। उम्र के इस पड़ाव में अपनों का साथ चाहिए था। माँ बाप को जिस वक्त अपनी औलाद का प्यार चाहिए था, वहाँ सिवाय दुत्कार के कुछ मिला ही नहीं। औलाद जल्लाद बन गई, जिसकी गवाही बूढ़े माँ बाप के जिस्म पर पिटाई के ये नीले निशान दे रहे हैं। पिटाई से बदन नीला पड़ गया है और बूढ़ी आंखों में यही सवाल, आखिर हमारा गुनाह क्या था? हमारी बेटी ऐसी तो नहीं थी। यहाँ कटघरे में रिश्ते हैं। भोपाल के पौश इलाके अरेरा कॉलोनी में पुलिस वालों को खबर लगी, बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर रखा गया है। पुलिस का दल पहुंचा और बुजुर्ग पति पत्नी को छुड़ाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी जुबां खामोश थी लेकिन जिस्म और आंखें उस हैवानियत को साफ बयां कर रहे थे जिसे इन्होंने 4 महीने तक सहा। दोनों चुप रहते हैं, कुछ नहीं कहते, जिन्हें डर है कि जुबां खोली तो फिर से इन्हें मारा जाएगा। हिम्मत जुटाकर कहते हैं, हमारी हालत की जिम्मेदार बेटी है। एक बेटी पर ऐसे संगीन इल्जाम लगे कि पूछिए मत। इल्जाम माँ बाप को बंधक बनाने का। बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत ही बुरा लग रहा है। कब तक बंधक रहे आप? 4 महीने पुलिस ने छुटाया आते हैं। कल छूटे हैं, समझिए। अच्छा। 4 महीने बाद कल छूटे। देखिए, शुरू के 3-4 साल, 4-5 साल तक तो ऐसे हमारे कोई बात हुई नहीं, कभी होती भी तो छिटपुट कर लेते थे, और फिर उसके बाद स्थिति ऐसी बिगड़ी, ऐसी बदली है कि जिसको मैं शब्दों में कह सकना बहुत मुश्किल। जिस बेटी को गोद में खिलाया, लाल बड़ा किया, वो छोड़ दीजिए सब कुछ, हमने बहुत कुछ किया। अब आप भी माँ बाप होंगे तो उससे क्या है कि हमारे साथ में जो प्रॉब्लम्स हुई वो उसका बिगनिंग एंड कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है। इल्जाम उन्हें टॉर्चर करने का, आरोप 4 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया। टॉर्चर भी ऐसा वैसा नहीं
जानवर जैसा सलूक, कभी खाने को नहीं दिया, कभी खाना फेंक दिया, कभी गर्म पानी उड़ेल दिया, कभी बेरहमी से पिटाई, फिर भी दोनों खामोश रहे। सुनिए यारो, कभी खाने देती थी, कभी गुस्सा हो जाती थी तो खाना फेंक देती थी। ये मारपीट के निशान जो दिख रहे हैं हमें, जी ये मारा है, ये सब मारा है, गला घोटा है हमारा, और हाथ में भी, हाथ में भी बताइए, हाथ ये माता जी के हाथ में भी चोट के निशान है। क्या ऐसे मारती थी? लोहे से, डंडे से, चप्पलों से, जूतों से, डंडा पुलिस का चुरा लिया था, कान जला लेती, गर्म पानी लेके डाल देती थी हमारे ऊपर। बैंक से रिटायर्ड चैतन्य स्वरूप सक्सेना और उनकी पत्नी कनक सक्सेना यही कह रहे हैं कि हमें बेटी से बचाओ। प्रॉपर्टी का लालच है उनको, और क्या, पैसा सब दे दो, जेवर कपड़ा सब दे दो, लॉकर की चाबी दे दो जो तुमने खो दी है, 3 करोड़ रुपया हमारी नानी ने हमको दिया वो दे दो, ये बातें करते हैं। नहीं, मकान भी सब हमें दे दो, चूड़ियाँ हाथ की दे दी, हमने कहा टैक्स भरो तो चूड़ियाँ भी उतार के रख ली अपने। सगी बेटी है, क्या नाम? निधि सक्सेना। जो अभी तक समझ में आया वो कि विवाद केवल मकान संबंधी होना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास। जिस बेटी पर इल्जाम लगा है उससे जब हमने बात करनी चाही तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस मामले में पुलिस ने बेटी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वही जायदाद, वही प्रॉपर्टी की जंग जिसमें हारे हैं तो सिर्फ रिश्ते। जो संगीन इल्जाम लगे हैं पुलिस उसकी जांच कर रही है। भोपाल से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 12 बदमाश एक इलाके में रात के अंधेरे में एक घर में दस्तक देते हैं, घर वालों को बंधक बनाते हैं, डकैती डालते हैं, माल का हिस्सा बंटवारा हो जाता है। जिस वारदात में 7 साल के बाद पकड़ा गया मास्टरमाइंड, बदमाश रुपए खर्च हो जाने के बाद मुंबई में गड्ढे खोदने का काम कर रहा है। कैसे इस इलाकों के पीछे पहुंचा गैंग का दूसरा सरगना, देखिए सर। दहशत भरे वो 60 मिनट अलमारी सुधारने आया, बना डकैती का प्लान। परिवार को बंधक बनाया, 20 लाख की डकैती। 7 साल बाद सलाखों में मास्टरमाइंड, गड्ढे खोदता मिला डकैती का मास्टरमाइंड। तारीख 6 अगस्त 2016 और तारीख 22 जून 2023। पिछले 7 साल से पुलिस की टीम करीब 20 लाख की डकैती के दूसरे मास्टरमाइंड की तलाश कर रही थी, जिसकी तलाश में कई जगह दबिश भी दी गई, और फिर 7 साल बाद ये बदमाश मिला भी तो गड्ढे खोदते हुए। मुंबई में पाइपलाइन के लिए गड्ढे खोदते हुए कैसे बदमाश विष्णु शिंदे पुलिस के हत्थे चढ़ा, उसे बताने से पहले उस रात के बारे में आपको बताते हैं, जिस रात खंडवा के वकील गनी भाई फिदवी के घर 12 बदमाश दाखिल हुए थे। तारीख थी 6 अगस्त 2016। रात के करीब 3 बजे पूरे परिवार को बंधक बनाया गया और उसके बाद बदमाश कहर बरपाते रहे। नगदी और जेवर समेत करीब 20 लाख की डकैती की वारदात को अंजाम दिया। ये वर्ष 2016 की घटना है। एक गनी भाई करके जो वकील साहब थे, उनके घर से एक डकैती की घटना हुई थी वर्ष 2016 में। इसमें कुल 12 के करीब आरोपी थे। उस समय वर्ष 2016 में 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, एक बाद में हुई थी, इस तरह टोटल 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी। एक जो आज हमने जो पकड़ा है, घटना के बाद से ही लगातार फरार चल रहा था।
बाबू वड्डर और विष्णु शिंदे इस डकैती के मास्टरमाइंड हैं। जेल में बंद बाबू वड्डर ने विष्णु शिंदे के साथ रची थी पूरी कहानी। पकड़ा गया आरोपी विष्णु महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। लूट करने वाले गैंग में शामिल एक व्यक्ति ने गनी भाई वकील के घर पर रखी सेफ को सुधारा था और फिर ये प्लान बना था। और इस आरोपी पर जो है 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। तो इसकी सूचना मिलने पर हमारी टीम के द्वारा इसकी तलाश की गई और इसको महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया गया है। बहुत डकैती की बड़ी सनसनीखेज घटना थी। उक्त अपराध जो है चिन्हित अपराधों की श्रेणी में भी है। डकैती की इस वारदात में पुलिस के हाथ पहले 9 आरोपी लगे, जिनसे डकैती का माल रिकवर हुआ। सबके हिस्से में माल आया था, लेकिन अब भी 3 आरोपियों का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। फिर डकैती में शामिल 10वां आरोपी पुलिस के हत्थे चला। वारदात में शामिल डकैती के दूसरे मास्टरमाइंड विष्णु शिंदे पर 10,000 के इनाम का ऐलान किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया और वहां से पुलिस रिमांड लिया गया। इससे घटना के संबंध में तथा लूटे गए सामान के संबंध में पूछताछ की जाएगी और वैधानिक कार्रवाई। मुखबिर से पुलिस को आरोपी की लोकेशन मुंबई मिली, जिसके हिस्से 1,25,000 रुपए आए थे, जिसके हिस्से आए माल को विष्णु खत्म कर चुका था और अब खर्चे के लिए उसे मुंबई में पाइपलाइन के गड्ढे खोदने पड़ रहे थे। खंडवा पुलिस ने मुंबई से आरोपी को गिरफ्तार किया। इस अपराध के संबंध में तो पूछताछ की ही जाएगी। अन्य अपने महाराष्ट्र और आसपास के जिलों में यदि कोई घटना इसके द्वारा कारित की है, उस संबंध में भी पूछताछ की जाएगी, इसीलिए पुलिस रिमांड पर लिया गया। क्या इस फरारी के दौरान आरोपी ने किसी और वारदात को अंजाम दिया? क्या किसी और गैंग में ये शामिल हुआ? इसकी तफ्तीश जारी है। खंडवा डकैती केस में 9 बदमाशों को 4 साल पहले 7 साल की जेल हो चुकी है और अब डकैती में शामिल एक और बदमाश सद्दाम की तलाश जारी है। खंडवा से अमित जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज क्रिमिनल्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।